जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे और एक नए वीडियो में। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ चुका है। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो 15 नंबर का इंस्टॉलमेंट है, 15 नंबर का इंस्टॉलमेंट कब आएगा और जिन किसान का अब तक वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट नहीं आया, उन सारे किसानों का वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट कब मिलेगा और दोस्तों वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट का मतलब क्या होता है, दोस्तों ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में विस्तार में जानेंगे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबके पास एक रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किया है दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को अलाउ कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले सभी लाभार्थी को फार्मर कॉर्नर पर आने के बाद ये जो नाउ योर स्टेटस लिखा आ रहा है इसी पर क्लिक करके सभी लाभार्थी को अपने अपने बेनिफिशियरी जो स्टेटस है स्टेटस को ओपन करना होगा। तो दोस्तों बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन करने के बाद सभी लाभार्थी को जाना होगा डायरेक्टली इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आने के बाद आप सभी लोग एक पॉइंट को फॉलो कीजिएगा। जिन जिन लाभार्थी का इसमें मोबाइल नंबर शो नहीं कर रहे उन सारे लाभार्थी ईकेवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ है। दोस्तों मोबाइल नंबर अगर आप सभी का शो कर रहे हैं तो दोस्तों आप सभी का ईकेवाईसी कंप्लीट हो चुका है और दोस्तों आपको ईकेवाईसी के लिए आपको पैसा नहीं रुकने वाला है। अभी आप सभी को जाना होगा इलिजिबिलिटी स्टेटस पर। दोस्तों इलिजिबिलिटी स्टेटस पर लैंड सेटिंग, ईकेवाईसी, आधार बैंक सेटिंग स्टेटस को तीनों पॉइंट को ग्रीन सिग्नल यानी कि यस रखना बहुत जरूरी है। अगर आप सभी का ये तीनों पॉइंट में से कोई एक प्रॉब्लम चल रहा है तो दोस्तों आप लोग मुझे कॉमेंट कीजिएगा, हम ये सारे टॉपिक का ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। और एक बात है दोस्तों, अगर आप सभी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में और भी विस्तार में जानकारी चाहिए तो दोस्तों मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मैंने ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, उनमें क्लिक करके आप सभी लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना का सभी प्रॉब्लम को सुधर कर सकते हैं। अभी हम आएंगे लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स पर। दोस्तों लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स पर आने के बाद आप सभी को तो सबसे इंपॉर्टेंट है एफटीओ प्रोसेस यस है या नो है। अगर आप सभी के एफटीओ प्रोसेस नो बता रहे तो दोस्तों आप सभी को सबसे पहले एफटीओ प्रोसेस को यस करना होगा। दोस्तों यस आप सब कैसे कर सकते हैं उस टॉपिक का ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उसके बाद मैंने आपको बताने वाला हूँ कि एफटीओ प्रोसेस नो से यस होने का जो प्रक्रिया है ये ऑटोमेटिक थे। और दोस्तों ऑटोमेटिक तभी होगा जब नहीं आपका आधार से बैंक अकाउंट लिंक होगा और आपने ईकेवाईसी लैंड सेटिंग सब कुछ वेरिफिकेशन करके रखा है, उसके बाद ही आपको एफटीओ प्रोसेस नो से यस ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो और एक बात है दोस्तों, सभी किसान भाई को मैंने कहना चाहता हूँ, जिन जिन किसान भाई ने अब तक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर खाता नहीं खुला है उन सारे लाभार्थी जल्दी जल्दी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर खाता खोल लीजिएगा। अगर आप सभी का पेटीएम पेमेंट बैंक यानी कि एयरटेल पेमेंट बैंक इस तरह पेमेंट बैंक से आपका आधार लिंक है तो दोस्तों आप सभी को इतने घबराने का बात नहीं है, क्योंकि पेमेंट बैंक से जिस लाभार्थी ने लिंक करके रखा है उन सारे लाभार्थी को पैसा तुरंत आ जाएगा, यानी कि रुका हुआ जितने भी पैसा है सभी पैसा आ जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले थे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तरफ से जो 14वीं इंस्टॉलमेंट है, 14वीं इंस्टॉलमेंट में जिन जिन लाभार्थी को वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट आ चुका है उन सारे लाभार्थी को पैसा कब मिलेगा। तो दोस्तों वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट का मतलब होता है आपके राज्य सरकार से पैसा रुका हुआ है यानी कि वेरिफिकेशन कंप्लीट अब तक नहीं हुआ है। तो दोस्तों वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट तभी आपको हटेगा जब आपको राज्य सरकार से वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। तो दोस्तों अगर आप सभी का स्टेटस पर यानी कि इलिजिबिलिटी स्टेटस पर या तीनों पॉइंट से ही बता रहे तो दोस्तों आप सभी का वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आपसे जिन लाभार्थी का अब तक एफटीओ प्रोसेस नॉट बता रहे दोस्तों एफटीओ प्रोसेस नो आ रहे उन सारे लाभार्थी को अक्टूबर में पैसा नहीं मिलेगा और जिन लाभार्थी का एफटीओ प्रोसेस यस हो चुका है, पेमेंट स्टेटस पर जगह पेमेंट प्रोसेस आ चुका है उन सारे लाभार्थी को आज पैसा जारी कर दिया है। आप सभी लोग बैंक अकाउंट को जरूर चेक कर लीजिएगा। अभी क्वेश्चन आ रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आपसे जो 15 नंबर का इंस्टॉलमेंट है, 15 नंबर का इंस्टॉलमेंट दीपावली से पहले मिलेगा या बाद में मिलेगा। दोस्तों 15 नंबर का इंस्टॉलमेंट दीपावली में नहीं मिलने वाला है, ये जो इंस्टॉलमेंट है आपको 27 नवंबर 2023 को मिलने वाला है। आप लोग वेट कीजिएगा, 27 नवंबर 2023 गुरु नानक जयंती का दिन है, उसी दिन पैसा जारी होने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो इतना तक है। जय हिंद जय भारत।